शायद हमारा फॉर्म काफी तफरी हो सकता है। हमारा करीब जो है अलमी बिहार से बेवॉर्ड है, प्रकैतियारा से बेवॉर्ड है, तो उनको आप लोगों ने जगति लाना है और अब तक लाया गया है और हमें वो जगति लाने की बहुत जरूरत है। इस वक्त झंडा भी हमारे मोबाइल अस्पताल के डॉक्टर साहब निर्देशक लाए हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि जगतिला रखा जो बहुत दूर है, रास्ता बहुत कठिन है, पार करना पड़ता है और है एल्टीट्यूड है, उसे आप लोगों को काफी तकलीफ होती है। तो आप यहाँ पर तशरीफ लाए और हमारे लोगों को खदमत कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और मुझे उम्मीद है कि आंदा भी आप लोग यहाँ तशरीफ लाते जाएंगे और हमारे गरीब आवाम की खदमत करते जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे कर्जों पर सिवाया खड़ी हुई है। उन लोगों के पास इतने गुंजाइश नहीं है जो हम जम्मू जाए, सिरे जाए, दिल्ली जाए, उनका इलाज कर सके। इसलिए आप जो है इंतजार जो इलाज नहीं हो सकता है इन बीमारों को, जिनको इलाज करने के लिए हमारे यूथ स्कूल ने यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इससे आप लोगों को बहुत फायदा हासिल करना चाहिए। तमाम मरीज जितने भी आए हुए बड़ी शरण, मुझे उम्मीद है कि दो दिन में आप लोगों को काफी खतरा मिलेगी। हमारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आए हुए और अपने डॉक्टर भी कोई मामूली नहीं है, बहुत अच्छी खदमत कर रहे हैं लोगों का। वो खुद तस्ली से आप इस वक्त अस्पताल जा सकते हैं, अस्पताल में दे सकते, इतना तरक्की हो चुका कहने की बात नहीं। इस वक्त आप लोगों की मदद के लिए 200 अस्पताल हमने पिछले साल हमारे आने को चीफ मिनिस्टर का संघ बुनियाद रखा है। इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है और हमारे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए MT स्कूल का इस वक्त चालू है, वहाँ पर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे कुछ शासन जो 3-4 हमारा 200 अस्पताल जो है हमारे वो तामीर होंगे, उसमें तमाम डॉक्टर हम लाएंगे, डॉक्टर लाएंगे। तो इंशाल्लाह जितने भी तकलीफात है आपको 3-4 हमारे 200 अस्पताल का हम लोग बुलाइए, एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग इलाज कर सकते हैं। इस वक्त हमारे चीफ कौंसिल, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब कुछ करगिल की तरक्की के लिए बहुत काम में लगा हुआ है। तो हमारे तालीम और सेहत की वजह से तालीम में हम कमजोर है, सेहत में हमें कमजोर है, माल न्यूट्रिशन है बहुत ज्यादा है, खाना ठीक से नहीं मिलता है, सब्जी का फ्रूट वगैरह जो 12 महीने आपको नहीं मिल रहा है, 6 महीने रास्ता बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें ना माल न्यूट्रिशन की तकलीफ होती है। तो इंशाल्लाह ऐसा जब गुर्बत खत्म हो जाएगी, हम गरीबी को खत्म करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे गुर्बत खत्म हो जाएगी तो इस वक्त हमारा हालात सुधार जाएंगे और हमारे सेहत अच्छे होंगे। और इस वक्त हमारा फर्ज है, हमें आज यूथ विंग के अरकिन और समय स्कूल के हमारे ओलमा साहबान यहाँ तशरीफ रखे हैं, और जो तशरीफ नहीं रखे बाहर है, तो उससे हमारे ये हमारी रिक्वेस्ट है, तो जो कि हमारे लोगों में जागृति लाने की जरूरत है। तो आप दोनों की वजह से हमें लोगों में जागृति आ सकता है, जाहिल है जहालत को खत्म करना है। तो इंशाल्लाह इस वक्त हमारे जितने भी यहाँ पर तशरीफ आए, बीमार दिन आए, हमारे मरीज आए हैं, या हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, बिल्कुल फिर हमें दिल के गहरों से आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। और खुसूसन हमारे सदर हमारे नए सदर स्कूल जो आप तशरीफ रख रहे, हमारे तशरीफ रख रहे, वो आपको जारी करने के लिए तशरीफ लाए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया सर। और